चुनावी वादे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक इलाके से भी लोगों के लिए किए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। अब इलाके के लोगों ने नेताओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। गांव के बाहर बोर्ड लगा है कि सड़क नहीं तो वोट भी नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, यही वो बोर्ड है जिसके सहारे ग्रामीणों ने न सिर्फ अपनी समस्या बताने की कोशिश की बल्कि ये चेतावनी भी दे डाली कि इस बार उसी को वोट मिलेगा जो वादे पूरे करेगा, वरना वोट मिलना तो दूर, गांव में नेताओं को घुसने भी नहीं दिया जाएगा। गांव जो है और रोड जो है कम्प्लीट नहीं है, इसलिए हम लोग किसी को जो है वोट नहीं देंगे। हमारा रोड बरसों से ऐसे खराब पड़ा हुआ है, इसके चक्कर में हम लोग कई नेताओं से और उनके प्रतिनिधियों से मिले लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम गांव वालों ने मिलकर उस बोर्ड को लगा दिया कि अगर रोड नहीं बनेगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। दरअसल ये लोग आजमगढ़ लालगंज तहसील के चेवार गांव के निवासी हैं, सड़कों की खस्ता हालत से परेशान है। यहाँ सड़कों की बुरी हालत की वजह से आना जाना तो मुश्किल होता ही है, यहाँ कारोबार भी प्रभावित होता है। ऐसे में ग्रामीणों ने बोर्ड के माध्यम से अपनी परेशानी नेताओं को बता दी। दूसरी तरफ नेता समस्याओं को जल्द दूर करने की बात कह रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से काम की गति आपको लग रही है स्लो, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और आजमगढ़ का विकास इस तरीके से होगा कि लोग आजमगढ़ को देखने आया करेंगे। फिलहाल तो ग्रामीणों की समस्या जल्द दूर करने के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे पूरे होंगे या फिर हर बार की तरह खोखले ही साबित होंगे, इसके लिए चुनाव परिणामों तक इंतजार करना होगा। समय के लिए आजमगढ़ से दीपक सिंह।